देश के जाने माने उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। उनके निधन के बाद अब उनका आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है। दरअसल उनके अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग पहुंचे और पूरे देश में इस वक्त गम है और इस बात के लिए सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि रतन टाटा ने न सिर्फ अपनी लेगेसी को बरकरार रखा बल्कि जिस तरह का वो जीवन उन्होंने जिया, देश के लिए समर्पित किया और उद्योगपतियों को उन्होंने जिस तरह से राह दिखाई वो अतुलनीय है। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर आई उनके लिए तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि पोस्ट की। उसके बाद उनकी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही है। दरअसल इस पोस्ट में रतन टाटा ने अपने चाहने वालों का शुक्रिया करते हुए कई बातें लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि मेरे बारे में सोचने के लिए आप सबका शुक्रिया। रतन टाटा ने इस पोस्ट के नीचे एक पत्र भी साझा किया था। इस पत्र में रतन टाटा ने लिखा था कि मैं अपने स्वास्थ्य से संबंध के चलते हुए हालिया अफवाहों से अवगत हूं और सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये दावे निराधार हैं। मैं वर्तमान में अपनी उम्र और इससे जुड़ी हुई तमाम चिकित्सीय परिस्थितियों के कारण चिकित्सा जाँच से गुजर रहा हूँ। आपको बता दें कि रतन टाटा लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से परेशान थे और इनका इलाज चल रहा था। उनका मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था और निधन से एक दिन पहले भी उन्होंने एक बात कही थी और वो भर्ती हुए थे। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि रतन टाटा उन व्यक्तियों में से एक थे जिनके बारे में शब्द कम पड़ जाते हैं। उन्होंने लिखा, रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और असाधारण इंसान थे। उधर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि हम इस घटना से बेहद दुखी हैं। वो एक असाधारण लीडर थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऊंचाइयों को छुआ। वैश्विक स्तर पर उन्होंने कंपनी को पहुंचाया। कार्य के दौरान उन्होंने नैतिकता को सबसे अहम बनाकर रखा और परोपकार और समाज के विकास के प्रति रतन टाटा के समर्पण ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। टाटा समूह के लिए रतन टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। उन्होंने उदाहरण पेश कर प्रेरित किया। उत्कृष्टता, अखंडता और नवीनता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण टाटा समूह ने उनके नेतृत्व में अपने वैश्विक पदचिन्ह का विस्तार किया। वो हमेशा अपने नैतिक दायरे के प्रति सच्चे रहे। उनके रिश्तेदारों ने बताया कि टाटा का पार्थिव शरीर गुरुवार की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट के हॉल में रखा जाएगा। यहाँ लोग उनका अंतिम दर्शन करने लगातार पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2008 में रतन टाटा को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला था। उससे पहले उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज उनके जाने के बाद सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए गुरु और मार्गदर्शक और मित्र तक थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।